देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जंगल राज है। रोज लोग कहते हैं कि आज कौन सा पुल गिरेगा, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। एक समय में इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, ये विफल रहे। केंद्र शासित सरकार लगा दी, ये अभी भी विफल रहे। लगातार आप देखें, ना तो कश्मीरी पंडित वापस जा सके, ना जम्मू कश्मीर के अंदर विकास लौटा। देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेके कई अलग अलग पॉलिसी अजमाई। एक समय में इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, ये विफल रहे। उसके बाद इन्होंने वहाँ की सरकार बर्खास्त कर दी, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने केंद्र शासित सरकार लगा दी, ये अभी भी विफल रहे। जून और जुलाई की बात अगर हम लें तो कई बार हमारे सैनिकों ने शहादत दी, जैसे अभी आप बता रहे हैं इसमें एक मेजर भी थे जो शहीद हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही जून की घटनाएं, 6 फौज के लोग मारे गए थे। उससे पहले आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं के ऊपर हमला कर दिया था, 33 लोग घायल हुए थे, 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। लगातार आप देखें, ना तो कश्मीरी पंडित वापस जा सके, ना जम्मू कश्मीर के अंदर विकास लौटा। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार से ताकतें छीन छीन के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऊपर अभी अभी आरोप लगा, और वो खूब ट्विटर पे चल रहा है, उन पे आरोप लगा कि अपने बेटे के रिसेप्शन के लिए सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन जम्मू कश्मीर संभालेगा? क्या इस तरीके के लोग जम्मू कश्मीर संभाल पाएंगे? मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इनको सभी दलों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जाए। बिहार में भी हमने देखा है कि सामने आया है कि मुकेश सहनी के फादर का मर्डर हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जंगल राज है। बिहार के अंदर रोज लोग कहते हैं कि आज कौन सा पुल गिरेगा। तो बिहार की हालत बहुत ख़राब है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। सर, जब जो मुख्यमंत्री का अरेस्ट होना है, तो उस पर जो अतिशी जी का स्टेटमेंट आया है कि ईडी को बना के उनको अरेस्ट करा गया, फिर सीबीआई का केस बनाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ईडी सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनका काम ये है कि इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने अपनी बात रख दें, बस इतना काम है। इनका काम ये नहीं है कि ये षड्यंत्र करें, किसको कैसे लंबे समय तक जेल में रखा जाए इसके षड्यंत्र के अंदर शामिल हों, किसको जेल के अंदर कितनी बार वो वकील से मिल रहा है, वो क्या खा रहा है, उसको दवाई मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उसका टेस्ट होना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें सीबीआई और ईडी की नहीं है। मगर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी हर चीज़ में दखल दे रही है, ऐसा लगता है कि एक पर्सनल वेंडेटा केंद्र सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लॉन्च कर रही है। सर, कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोलती है। उनका ये भी कहना है कि चाहे वो करप्शन के चार्जेस हो या दिल्ली में किस तरीके से चीज़ें एडमिनिस्ट्रेट करी जाएंगी, सब पे झूठ बोला जाता है, 2012 से झूठ बोला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम तो बहुत झूठ बोल रहे थे, मगर अभी एक महीने पहले तक संदीप दीक्षित जी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, अब जो है वो फिर से अपनी बात कह रहे हैं।